देश में जिस तेजी से वैश्विक महामारी के केस बढ़ रहे हैं उसका साफ असर शेयर बाजार पर दिखाई दे रहा है। पिछला कारोबारी हफ्ता भी बाजार के लिए काफी उथल पुथल भरा रहा, जिसके बाद आज बाजार की शुरुआत पर सभी की नजरें टिकी हुई थी। तो आज कैसा रहा बाजार का शुरुआती हाल, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए भले ही सरकार ने अनलॉक एक की शुरुआत कर दी हो, मगर स्वास्थ्य हालात तो सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका असर शेयर बाजार में दिखाई देने लगा है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 221 अंक नीचे 33,670 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.63% यानी 63 अंकों की गिरावट के साथ 9,910 के स्तर पर खुला। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज फार्मा, मीडिया और आईटी के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स लाल निशान पर खुले। इनमें ऑटो, मेटल, बैंक, प्राइवेट बैंक, FMCG और PSU बैंक शामिल हैं। वहीं पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की बात करें तो पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर की उथल पुथल के बाद शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ था। सेंसेक्स 0.72% की बढ़त के साथ 252 अंकों पर 33,781 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 0.72% बढ़कर 71 अंक ऊपर 9,973 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं शुक्रवार अमेरिकी बाजारों में बढ़त देखने को मिली थी। डाउ जोन्स 1.9% की बढ़त के साथ 477 अंक ऊपर बंद हुआ था। नैस्डेक 1.01% बढ़त के साथ 96 अंक ऊपर 9,589 पर बंद हुआ था। S&P 1.31% बढ़त के साथ 39 अंकों पर 3,041 पर बंद हुआ था। चीन का शंघाई कंपोजिट 0.07% गिरावट के साथ 2 अंक नीचे 2,918 पर बंद हुआ। वहीं इटली और फ्रांस के बाजार में भी बढ़त रही, लेकिन आज घरेलू बाजार में सुस्ती देखी गई। लेकिन शाम तक बाजार इस सुस्ती से बाहर निकलकर कारोबार में तेजी ला पाता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। DB Live की रिपोर्ट।